हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, थोड़ा मेरा गला ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आवाज़ ठीक से नहीं आएगी आप लोगों को, लेकिन मैं अच्छे से बोलने की कोशिश करूँगी। तो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो चलिए गाइस, अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइस, वो ये है कि कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान थे। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसी बारे में वो सोच रहे थे। और उनके फैमिली में भी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर उनकी फैमिली साथ नहीं, अगर कोई भी उनकी लाइफ में गाइस, जो उनके कार्मिक्स हैं जिनके साथ वो अभी रह रहे हैं, जहाँ पर वो अभी स्टक हैं, आपको पता होगा, तो वहाँ पर उनके लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर उनका कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ना उनका करियर ठीक है, ना उनका फैमिली लाइफ में कुछ भी ठीक है। वो जिन भी कार्मिक्स के साथ हैं वहाँ पर भी उन्हें परेशानियाँ मिल रही हैं, वहाँ भी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। तो उस वजह से भी वो परेशान थे और वो कल रात को आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं गाइस, आपके बारे में वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहते। वो बार बार यही सोच रहे थे कि आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा, आप दोनों फिर से एक होंगे। पास में आपके पर्सन इतना ध्यान नहीं देते थे गाइस आपकी तरफ, और वो जब भी सोचते थे तो निगेटिव सोचते थे कि क्या पता आप दोनों फिर से एक हो पाओगे या नहीं। लेकिन कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे गाइस, और वो बार बार यही सोच रहे थे कि आप दोनों फिर से एक होगे और आप दोनों का रीयूनियन जरूर होगा। आपको बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ किस तरह से बढ़ा जाए। वो रास्ते निकालने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, और वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आपके पर्सन इस वजह से भी परेशान थे कि वो बार बार यही सोच रहे थे कि अगर आप उनकी लाइफ में अभी रहते तो जो अभी उनके साथ चल रहा है वो उनके साथ नहीं होता, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता, क्योंकि पास्ट में उनके साथ सब कुछ अच्छा था, ऐसा वो सोच रहे हैं। जब आप उनके साथ थे तो उनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, उनको पैसे की भी कोई समस्या नहीं थी गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी पैसे की भी, उनका करियर अच्छा चल रहा था, उनकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब से आपसे अलग हुए हैं तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। इस वजह से वो यही सोचकर बार बार परेशान हो रहे थे कि उन्होंने आपको क्यों दूर किया अपने आप से, क्यों वो आपसे अलग हुए, ये सोचकर भी वो कल रात को परेशान थे। और वो बहुत ज़्यादा सैड भी थे गाइस, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो तो वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं इस वजह से। और सोशल मीडिया पर भी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। कल रात को उन्होंने आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक किया है, और वो आपके बारे में जानना चाह रहे थे कि अभी आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ में क्या कैसे हो, उनके बिना किस हाल में हो, ये भी वो जानना चाहते हैं। और वो ये भी सोच रहे थे गाइस कि पहले आपके पर्सन ये सोचते थे कि आप किसी और के साथ मूव ऑन हो गए होगे, या अब आप उनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। लेकिन कल वो कुछ भी निगेटिव नहीं सोच रहे थे, वो आपके लिए पॉजिटिव थे, और वो बार बार यही सोचते रहे कि वो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस लोगे, आप उनसे बात करोगे, आप उनके साथ वैसा ही बिहेवियर रखोगे जैसे पास्ट में आप उनको प्यार देते थे, जैसा बिहेवियर आपका पास्ट में था उनके साथ वैसा ही बिहेवियर रखोगे। ये सब सोचकर वो खुश भी थे, लेकिन वो इसीलिए दुखी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ अभी नहीं है, और वो अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं गाइस। वो जो भी जिस सिचुएशन में स्टक है वहाँ से निकलकर अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। और हो सकता है आपके पर्सन का आपको कॉल या मैसेज भी मिले आने वाले कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद, वो शायद आपको कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी गाइस कि आप पॉजिटिव रहकर अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, निगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ये भी कहूँगी गाइस कि आप अपने करियर पर भी ध्यान दो, अपनी फैमिली लाइफ में भी ध्यान दो। आप किसी को चेज मत करो, किसी के पीछे भागो मत, अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जब आना है आपकी लाइफ में वो आएगा, आपके लिए जो लिखा है वो आपको मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और निगेटिव होने की भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम है गाइस, आप उम्मीद रखिए, आपको होप्स हारने की भी ज़रूरत नहीं है। और आपका पॉजिटिव रहना ही देख लीजिए आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आप अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट कीजिए, आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होगा, क्योंकि आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यही वीडियो है गाइस आज की। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।